नमस्ते, आई एम जेवियन इंदू फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आई विल डिस्कस स्टैक एंड सबरूटीन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली सी द डेफिनेशन ऑफ स्टैक। स्टैक इज द एरिया ऑफ रैम वेयर वी कैन स्टोर टेम्प्ररी डेटा। इट मीन्स स्टैक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसी का एरिया है जिसके अंदर हम टेम्प्ररी डेटा स्टोर कर सकते हैं। द स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड ऑन अ लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस अ फॉर्म ऑफ क्यू। इट मीन्स स्टैक के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो एक क्यू के फॉर्म में होता है। तो जब आप स्टैक के अंदर सबसे लास्ट में जो डेटा आप स्टोर करेंगे, तो जब आपको डेटा फेच करना है तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में जो डेटा स्टोर हुआ है उसको आप क्या करेंगे, फेच कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जो स्टोर होगा वो सबसे पहले फेच होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से लीफो पे बेसिस हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इज अ स्पेशल पर्पस 16 बिट रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर। इट मीन्स स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का स्पेशल पर्पस रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। जो स्टैक के टॉप एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। स्टैक पॉइंटर मूव्स ऑटोमेटिकली विद पुश एंड पॉप। स्टैक पॉइंटर का एडवांटेज ये है कि ये ऑटोमेटिकली मूव होता है विद पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन के साथ। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास में ये एक स्टैक है, उसके अंदर FFFF मेमोरी लोकेशन पे 33H डेटा स्टोर है, FFFE पर मेमोरी लोकेशन पे 45H स्टोर है, FFFD मेमोरी लोकेशन पे 82H है। तो इस स्टैक के सबसे टॉप पर, सबसे टॉप मेमोरी लोकेशन कौन सी है, FFD। तो जो हमारे स्टैक पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस होगा, FFD। तो जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है। तो स्टैक पॉइंटर के अंदर क्या होता है, जो स्टैक जो होता है उसकी टॉप का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, वो हमारे स्टैक पॉइंटर क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे टॉप में क्या है, एड्रेस मेमोरी लोकेशन का FFD है। तो हमारे स्टैक पॉइंटर में क्या है, FFD। नेक्स्ट इज देर आर टू बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक टू मॉडिफाई इट्स कंटेंट्स विच आर कॉल्ड पुश एंड पॉप। इट मीन्स स्टैक के अंदर दो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैक के ऊपर हम लोग दो तरह के इंस्ट्रक्शंस और दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, स्टैक के कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। और वो ऑपरेशंस कौन से हैं, पुश एंड पॉप। पहले हम लोग देखते हैं पुश इंस्ट्रक्शन। पुश इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू ऐड मोर एंट्रीज टू अ स्टैक। इट मींस पुश इंस्ट्रक्शन का हम लोग तब यूज करते हैं जब हम स्टैक के अंदर कोई डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, कोई एंट्री हम लोग उसमें और कोई और एंट्री हम लोग उसके अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, तो उस टाइम में हम लोग पुश इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। स्टैक ग्रोज, इट मीन्स जब भी हम लोग पुश इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा स्टैक के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो स्टैक है वो ग्रो कर रहा है। जब स्टैक ग्रो करेगा तो हमारा जो एड्रेस है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो
तो पुश ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, किसके अंदर, एड्रेस के अंदर, और उसके बाद में डेटा स्टोर होगा। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, सपोज LXI SP FFFFH, इट मीन्स स्टैक पॉइंटर के अंदर क्या लोड करा रहे हैं हम लोग, FFFFH हम लोग क्या करा रहे हैं, स्टैक पॉइंटर के अंदर लोड करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टैक पॉइंटर में क्या होगा, FFFF होगा स्टैक पॉइंटर के अंदर। उसके बाद में देखो MVI B, 11, इट मीन्स हम लोग B के अंदर 11 मूव करा रहे हैं। MVI C, 22, इट मीन्स हम लोग C रजिस्टर के अंदर 22 मूव करा रहे हैं। फिर आता है पुश B, इट मीन्स कि जो हमारा रजिस्टर पेयर है BC, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको हमें कहाँ पुश कराना है, स्टैक के अंदर। पुश कराने का क्या मीनिंग हुआ कि हम स्टैक के अंदर BC रजिस्टर पेयर जो है उनके अंदर जो डेटा है उसको हमें स्टैक के अंदर क्या कराना है, स्टोर कराना है। तो सबसे पहले हमारा स्टैक पॉइंटर किसके ऊपर था, FFFF पर, मेमोरी लोकेशन पे था। अब उसके बाद में हमारा क्या होगा, अगर हमें कोई डेटा स्टोर कराना है, अब हमें क्या कराना है, B कराना है स्टोर इसके अंदर। तो सबसे पहले इस डिक्रीमेंट होगा एड्रेस के अंदर, यहाँ पे FFF में डिक्रीमेंट होके न्यू एड्रेस क्या बन जाएगा, FFFE, उसके अंदर क्या स्टोर होगा, B, जिसमें क्या है 11। फिर नेक्स्ट अगेन क्या होगा, सबसे पहले एड्रेस के अंदर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो FFE में डिक्रीमेंट हुआ तो क्या बना न्यू मेमोरी लोकेशन, न्यू एड्रेस क्या हुआ, FFFD। FFD के अंदर अब क्या स्टोर होगा, जो C का जो कंटेंट है 22। तो FFE पर तो क्या है, B है, और FFFD एड्रेस पे क्या हमारा, C है। तो सबसे पहले डिक्रीमेंट किस में हुआ, स्टैक पॉइंटर के अंदर, फिर स्टोर हुआ B, फिर उसके बाद में डिक्रीमेंट किस में हुआ, स्टैक पॉइंटर के अंदर, देन क्या स्टोर हुआ, C। डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर का क्या मीनिंग समझ में आ रहा है, कि हमारा स्टैक पॉइंटर तो क्या है, जो टॉप ऑफ द स्टैक जो होता है, स्टैक का टॉप जो एड्रेस होता है उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, पहले स्टैक पॉइंटर के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, देन हमारा डेटा क्या हो रहा है, स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट इज पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिमूव एंट्रीज फ्रॉम स्टैक, इट मीन्स पॉप इंस्ट्रक्शन का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें स्टैक से डेटा को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, कोई एंट्री को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करने का मतलब हम लोग स्टैक से वो डेटा क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। स्टैक स्ट्रिंग्स, इट मीन्स जब भी पॉप इंस्ट्रक्शन का हम लोग यूज करेंगे तो उस टाइम में हम लोग स्टैक से डेटा को बाहर ले रहे हैं डेटा। तो क्या होगा, स्टैक क्या करेगा, श्रिंक करेगा। जब भी हम लोग स्टैक से डेटा गेट करेंगे तो हमारा स्टैक क्या होगा, श्रिंक करेगा। और पुश के अंदर क्या होता था, जब हम लोग पुश ऑपरेशन का यूज करते थे तो उस टाइम में हमारा स्टैक क्या होता था, ग्रो करता था, क्योंकि हम लोग उस टाइम स्टैक में कुछ स्टोर कराते थे। बट पॉप के अंदर क्या है, हम लोग स्टैक से डेटा गेट करते हैं, उस टाइम हमारा स्टैक क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अब स्टैक श्रिंक करेगा तो हमारा एड्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पॉप के अंदर क्या होता है, पहले गेट होता है देन इंक्रीमेंट होता है। पुश के अंदर क्या होता था, पहले डिक्रीमेंट होता था बाद में स्टोर होता था डेटा। और पॉप के अंदर क्या होगा, पहले हम लोग डेटा को गेट करेंगे उसके बाद में क्या होगा, हमारा एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट होगा। अब सपोज हम लोग लास्ट वाले एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं, तो लास्ट वाले एग्जांपल के अंदर जब हमने पुश भी परफॉर्म किया था तो उस टाइम में हमारा स्टैक पॉइंटर जो था उसके अंदर कौन सा एड्रेस था, FFFD था। अब हमारे पास में न्यू क्या ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया,
पॉप डी, हमेशा ध्यान रखना जो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जो है, ऑपरेशन जो है, हमेशा रजिस्टर पेयर के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। अगर पॉप बी लिखा हुआ, इट मीन्स पॉप बी सी रजिस्टर पेयर का डेटा क्या करा रहे हैं हम लोग, बी पॉप बी लिखा हुआ इट मीन्स कि बी सी रजिस्टर पेयर यूज़ कर रहे हैं, पॉप डी लिखा हुआ इट मीन्स कि हम लोग डी रजिस्टर पेयर यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा रजिस्टर पेयर यूज होगा इन ऑपरेशंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे पॉप डी लिखा हुआ है, तो पॉप का क्या मीनिंग है कि हम लोग स्टैक से गेट करेंगे डेटा को। तो देखिए पॉप डी का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग डी रजिस्टर पेयर यूज कर रहे हैं। तो पॉप डी का मतलब लिखा हो तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा पॉप के अंदर डेटा क्या होगा, गेट होगा। हमें डेटा बाहर निकालना है, सबसे पहले कौन सा डेटा हमें गेट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, गेट करेंगे हम लोग डेटा को। तो हमारा एफ 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 डी एड्रेस पे जो डेटा है, जो क्या है 22 है, तो वो किसके अंदर जाएगा, हमारा ई के अंदर। ई रजिस्टर जो होगा उसके अंदर क्या जाएगा, सी का वैल्यू। देन उसके बाद में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट किसके अंदर होगा, एड्रेस के अंदर होगा। तो एफ 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 डी का जो डेटा था वो हमारा ई रजिस्टर के अंदर गया। देन उसके बाद में हमारा एड्रेस में इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट होके क्या हुआ, वो एफ 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 ई। तो अब हमारे स्टैक पॉइंटर में क्या वैल्यू है, एफ 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 ई। अब देखिए अब हमारा अगेन पहले गेट होगा, डेटा गेट होगा। तो यहाँ पर जो बी है, मीन्स कि बी का जो वैल्यू है 11, वो किसके अंदर जाएगा, डी रजिस्टर के अंदर। आई बात समझ में, तो डी के अंदर क्या जाएगा, अब बी जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अगेन इंक्रीमेंट होगा एड्रेस के अंदर। तो डी के अंदर क्या आ गया, बी आ गया, और हमारे स्टैक पॉइंटर क्या हो गया, अब किस पे चला गया, एफ 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 एफ। तो इस तरीके से पॉप ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो पॉप के अंदर सबसे पहले हम लोग गेट करेंगे, उसके बाद में एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट होता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ना, गेट एंड इंक्रीमेंट 22E, इसका क्या मीनिंग है कि सबसे पहले हमें 22 जो है वो किसके अंदर गया, 22 गेट किया हम लोगों ने, देन उसके बाद में इंक्रीमेंट हुआ, तो ई के अंदर क्या आ गया 22। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या गेट किया, 11 किया, किसके अंदर, डी रजिस्टर के अंदर। फिर हम लोगों का क्या हुआ, एड्रेस यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। तो अब लास्ट के अंदर पॉप डी ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद में हमारे स्टैक पॉइंटर के अंदर लास्ट में क्या एड्रेस है, एफ 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 एफ। नेक्स्ट इज सब रूटीन। सब रूटीन इज अ स्मॉल प्रोग्राम रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क दैट मे रिपीटेडली रिक्वायर इन द मेन प्रोग्राम। इट मीन्स सब रूटीन क्या होता है स्टूडेंट, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिसको सेपरेट लिखा जाता है, किससे, मेन प्रोग्राम से, जिसको सेपरेट मेन प्रोग्राम से जो प्रोग्राम सेपरेट लिखा जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो रिपीटेडली टाइम, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम, बार बार जिसकी रिक्वायरमेंट होती है मेन प्रोग्राम के अंदर। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सब रूटीन क्या है कि स्मॉल प्रोग्राम है जो मेन प्रोग्राम से सेपरेट लिखा जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हमें क्या होता है, मेन प्रोग्राम के अंदर उस प्रोग्राम की बार बार नीड होती है, बार बार नीड पड़ती है, बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमारा सब रूटीन एक स्मॉल प्रोग्राम है जिसको मेन प्रोग्राम से सेपरेट लिखा जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी मेन प्रोग्राम के अंदर रिपीटेडली क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सब रूटीन इज दैट इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ स्मॉलर प्रोग्राम्स। सब रूटीन का कॉन्सेप्ट यूज करने का क्या मीनिंग है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है सब रूटीन को यूज करने का, कि हमें जो रिपीटेशन हो रहा है स्मॉलर प्रोग्राम का बार बार, उसको अवॉइड करना है।
अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारा मेमोरी लोकेशन 2000 पे क्या इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड क्या है LXI, ऑपरेंड क्या है SP2400H। इट मीन्स हमारा स्टैक पॉइंटर के अंदर हम क्या लोड करा रहे हैं, 2400H को लोड करा रहे हैं। उसके बाद में 2000 के बाद में 2001 मेमोरी लोकेशन आया, 2002 आया, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर सिक्वेंसली इन मेमोरी लोकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन था उसको एग्जीक्यूट करता चला गया। देन वो पहुंचा 2040 मेमोरी लोकेशन पे, तो 2040 मेमोरी लोकेशन पे उसको इंस्ट्रक्शन मिला कॉल का मिला, और वहाँ पे आगे उसके ऑपरेंड में लिखा होता 2070H। तो अब क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, अब तक जो मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहा था वो उसको वहीं पे सस्पेंड कर देगा, और सबसे पहले जो कॉल इंस्ट्रक्शन तो दिया है उसको परफॉर्म करेगा। तो 2040 के बाद में क्या आएगा, 2041 के अंदर क्या जाएगा हमारा 70, और 2042 के बाद में क्या जाएगा 20। अब क्या होगा, नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 2043 पे नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा वो 2042 से सीधा कौन सी मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, 2070 जहाँ पे कॉल कराया है वहाँ पे सब रूटीन है, मीन्स कि वहाँ पे एक स्मॉल प्रोग्राम है, उसको परफॉर्म करने के बाद में नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको माइक्रो प्रोसेसर को क्या मिला, 207F पर माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिलता है रिटर्न का। तो अब क्या करेगा, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रिटर्न होगा कौन सी मेमोरी लोकेशन पे, 2042 के बाद में सस्पेंड किया था, 2042 के बाद में 2043 पे नहीं गया था, डायरेक्टली कहाँ चला गया था, 2070 पे चला गया था माइक्रो प्रोसेसर सब रूटीन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन उसको 207F पे रिटर्न का इंस्ट्रक्शन मिला, तो वो अब कहाँ जाएगा, 2043 पे जाएगा, जो कहाँ है हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर मेमोरी लोकेशन है 2043, और वहाँ पे 2043 पे जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। देन सिक्वेंसली क्या करता जाएगा, मेन प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। देन उसको 205F पर एक इंस्ट्रक्शन मिला होल्ट, तो इट मीन्स अब क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, जो मेन प्रोग्राम चल रहा था जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा था उसको एंड कर देगा। तो इस तरीके से मेन प्रोग्राम के अंदर सब रूटीन परफॉर्म करता है माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई डिजिटल सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।